ओहो आशा बेटा, अरे कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? बस बढ़िया। और बताओ कैसे आना हुआ? आपसे जरूरी बात करनी थी तो सोचा यहाँ आके आपसे बात करूँ। हेलो। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्या अभी? ओके कोई बात नहीं, अच्छा बस बस 15 मिनट। ओके हाँ वो पापा, हाँ बेटा आई हैव टू गो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पापा अर्जेंट मीटिंग मेरी बेटा, बात हम रात को डिनर पे बात करें बेटा। जस्ट मिनट पापा मेरी बात रात को तो डिनर पे सुनो मिलते हैं ना। पापा पापा बस बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। मम्मी दादा के लिए एक गिलास पानी लाना। मैं चैट कर रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ एंड यू ऑल नो दैट कि मैं जब चैट करती हूँ आई डोंट लाइक एनीवन डिस्टर्बिंग मी। जब तक ये छोटे थे इनकी सारी जरूरतें मैंने पूरी की, आज इनको मेरे लिए ही टाइम नहीं है। लगता है अब मैं इन पे बोझ बन गया हूँ। हे ईश्वर। मैंने आशा को फोन पे कहा था कोई गलत कदम मत उठाए, उसके सारे प्रॉब्लम्स के रास्ते निकल जाएंगे। कैसी प्रॉब्लम? आशा का पति रोज शराब पी के आता था और उसे मारता था। वहाँ पे तो उसके सुनने वाला कोई नहीं था, पर यहाँ पे भी आप में से किसी ने उसकी नहीं सुनी। आपने अपने बच्चों को वो शोहरत पैसे सब दिया, लेकिन वो प्यार नहीं दे पाए जिसकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। शायद इसीलिए आप सबको ये दिन देखना पड़ा। अरे आप सबको मैं क्यों बता रही हूँ, कुछ फायदा है समझा के? आज सिर्फ आप सबकी वजह से मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे छीन गई है। काश मैं उस दिन मीटिंग में नहीं गया होता। काश मैंने पार्टी में न जाकर आशा की बात सुन ली होती। काश मैंने शक्ति बरती होती। काश मैंने इंटरनेट पे ध्यान ना देके अपनी बहन की बात पर ध्यान दिया होता। अगर मुझे ड्रग्स की लत नहीं लगी होती तो मैं अपनी बहन को समझ पाता।